सवाल ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट्स के इस्तेमाल का फिकही हुक्म खुफी नफ्स ही जायज़ है बताते खुद, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए मुश्किल आती है ये कि इंसान बाज़ औक़ात बैठता है क्योंकि आदि नहीं होता, वरना असल देखें मुश्किल एक तो हमारे अपने मुल्कों की भी मुश्किल, मतलब आप एयरपोर्ट पे जाएं अगर वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है तो टिश्यू नहीं पड़ा हुआ होगा, वरना नॉर्मली ये होता है कि टिश्यू वगैरह आप अंदर डाल दें तो आपको छींटे नहीं आएंगी, टिश्यू नहीं है तो मैक्सिमम जो होगा वो ये होगा कि जब आप बैठेंगे यूज़ करेंगे तो छींटे आने का डर होता है कि नजिस छींटे आपके जिस्म पर लग जाएं, तो क्या होगा इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू है, वो पानी तो आ ही रहा ना, उसी पानी से आपने नजासत साफ करनी है तो उसी पानी को आप डाल के अपनी टांगें भी पाक कर लें तो कौन सा मुश्किल काम है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको पता नहीं क्यों इशू ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैक्सिमम टांगों का कुछ हिस्सा आपका नजिस होगा, पूरी टांगें भी नजिस नहीं होंगी, और वो भी उन सूरतों में कि जब टिश्यू वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ मौजूद ना हो कि जिसकी वजह से छींटे ना आए, छींटे आएंगी तो आपके बदन के कुछ हिस्से को नजिस करेंगी, उसको आप पाक कर लें, खत्म कहानी। वैसे अगर चलते फिरते आपका बदन नजिस हो जाए तो क्या करते हैं, परेशान होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, पानी से उसको पाक कर लेते हैं। हाथ में से हाथ नजिस हो गया, फर्ज करें बच्चे ने पेशाब कर दिया, लीक हो गया बच्चा, तो क्या करते हैं आप, दो दफ़ा पानी के नीचे से निकाला, आपका बदन पाक हो गया, आप उसी बदन के साथ नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो कोई मुश्किल नहीं होती। इसमें भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम मैंने कहा ना कि बदन का कुछ हिस्सा नजिस होगा, अगर हुआ तो उसको आप पानी से पाक कर लें, और वैसे भी ये नजासत अगर जो कुछ भी होगा तो एक दफ़ा पाक करने वाली नजासत होगी, क्योंकि मुतनजिस छींटे मुतनजिस हैं, ऐन नजिस तो नहीं है, लिहाजा ये एक दफ़ा में पाक हो जाएंगी, तो एक दफ़ा पानी डालेंगे आप अपने बदन के उस हिस्से पर, वो हिस्सा आपका बदन का पाक हो जाएगा, बाकी आप नमाज के लिए बिल्कुल बदन आपका पाक साफ है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين